है सही फैसला, तेरी से है सही फैसला। जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल वाली कहा होता है। ये वैसे जो हम हमारी तीनों की इंटेंशन, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजोल्यूशन देने का ये था जो 22 तीन को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव, जैसे कि ताकि सब लोगों को जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता है, नालागढ़ इलेक्शन का एक फेज चलता है, उसमें 25-30 दिन बड़े परेशान होते हैं वोटर्स भी, लोग कन्वेंशन के लिए जाते हैं, उनको भी परेशान करते हैं, वो ना हो। सरकार का खर्चा तो मैंने बता ही दिया, सरकार का खर्चा होता है। देन जो इलेक्शन ड्यूटी में एम्प्लॉय तैनात होते हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो होती है वो हमारे शिक्षक भाई होते हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो सब ना हो। और आदर्श चुनाव संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें लगभग 1.5 महीना पूरा जिला में जो विकास कार्य रुक जाते हैं, जैसे अब इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन जो होगा 3 सीट होगा, नालागढ़ विधानसभा की वजह से सोलन जिला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गए पूरे में, हमीरपुर कश्मीर के पूरे हमीरपुर जिला में लगेगा, और देहरा कश्मीर के पूरा कांगड़ा जिला में लगेगा। 3 जिले में कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, लंबित होते हैं। तो ये सब ना हो इसलिए हमने उस टाइम 22-3 को रेजोल्यूशन दिया था, परंतु हम उसके लिए ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, माननीय स्पीकर साहब जो है उनके कंस्टिट्यूशन पोस्ट है, तो क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। परंतु हमारी जो मंशा वही थी कि साथ साथ इलेक्शन हो, सरकार का एक भी पैसा लग ना लगे। मैंने तो बल्कि एक न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जबकि हमारे कांग्रेस भाइयों ने कहा था जो खर्चा पड़ेगा उनके ऊपर डाल, मैंने कहा था 7 इलेक्शन तो अब हो गया। राजनीतिक करियर के हिसाब से किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, हॉस्पिटल के फैसले को? राजनीतिक करियर बहुत अच्छा है, पूरे देश में जो है भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से 3री बार सरकार बनाने जा रही है केंद्र में, तो बहुत अच्छी जो उनकी मोदी सरकार की 10 साल की जो विकास के कार्य हैं, उनके गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनकी हमारी पूरा देश का हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है, वो जो चला हुआ सिलसिला है, भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो सब आते जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो वो होने जा रहा कल, अभी अब तक बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, ये होने वाला। अगर भाजपा हाईकमान टिकट देगा कैंडिडेट को आगे जरूर लगाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।